बोल में ढोल बजे क्यों गरीब और को बोलना है कोनी ई कारण है गुए कई गोदो ठोक्यो कर खोद खोद कारण आए रासी दी गोदो मनकर हिखाय लागे मन भार मोर कोने पटकावे बेन आले तमर हो साल और को आ साल कोन पीड़े बीते थी इतनी देर लागती वजह बस एक जना आहे सीधी पीड़े बीते पीड़े मोर परंपरा इस में आज काल को आयो एवडो कोनी किरे को बैठो तो पटवारी नु को अरे नु को बेला सीधी जसी गाती में क्या तो ये पहले थोड़ा सूचना दी थी दिल्ली को असर ना आई भीड़ लागी है बिल्कुल जैसे भी आई तो मैं आया हूं मैं आया बहुत मिल गया कितना कितना प्लॉट बिखरे है बिखर है जो इतने लगा 10 प्लॉट या बिखर है मैं प्लॉट है बिखर है अरे पैसा दे दो सरकार भरे कौन अरे नुकसान लाखों रुपये नो है मैं गरीब लाऊं के तो मैं मजूर अगर के भरो हम फिर पाड़ा पड़े साबर नाराजगी क्या मत तो परसा नाराजगी होए लाई तुम्हारो मन सुस नहीं कोन दीनी मेरा स्वामी हां क्यों कहीं मोरी है आज नहीं मोरे हजार पीढ़ी तक हो पीढ़ी तक मोरू खेतर है और मोरे पटास जमीन उरे गुटे डूंगर में थोड़ी नाइटी बन जमीन है वो मोरू क्या पटकन आया 2000 मकान रोईडे पाड़े उन लगाए बंदे हम लगाए 2000 मकान बनेड़ा है रोंगा बनेड़ा गोरा पटक्या को नहीं मोरा क्यों पटके मैं यही पूछो कौन पटके मोरे नगर पालिका के ऑर्डर आए हुए तो शहर में मोर फान उठावे नहीं मेयर राम जी उठाता को नहीं तो मोरू ये पटके क्यों कहे भोर बदलू ने क्यों पटके गरीब आ रहा मैं गरीब हूँ बिल्कुल गरीब जुगरा पटके रुपयो रुपयो भेड़ो करी ने बनायो अरे उरे पटक रहा है मारा नाम परमेश्वरी है और 2011 में हुकुम सिंह ना मैं दो प्लॉट लियो तो 38x58 रो सिर्फ एक ही प्लॉट तो दो साल पहला थोड़ा टुकड़ा और रोंग हुई थी और 6 महीना पहला मैं रोंग पूरी भरे लाख रुपया खर्च करे और किए तो और उन्होंने पूरा एक मोरिज प्लॉट तोड़कर और पूरी निक्की कर दी हुए और पूरा पादड़ पर करे और लाख रुपया नुकसान कर दिए हुए शिवदान जी जागिर री वजह महीनों हुए आप महीनों सिर्फ मोरे माथे एक खेदो पकड़े काम करवाए मैंने कोई सूचना दी नहीं कोई बात की नहीं सीधी आए जैसे भी गाले सीधे तोड़ दी हुए और मैंने तेज से हुकुम सिंह पुत्र तेज सिंह रो फोन आयो के थे आओ हम लोग आए हैं यहाँ पर और पूरा तोड़ दिया उनको खूब बोला मेवाराम जी को भी फोन किया मेवाराम जी ने फोन उठाया और बोला कि मैं बात करता हूँ लेकिन वापस कहा कि वापस कोई जवाब दिया नहीं दो बार वापस फोन किया तो वापस कोई रिप्लाई दिया नहीं और चेयरमैन साहब को भी अभी फोन किया मैंने कहा आपने ये क्या कर दिया हमारा एक का ही प्लॉट क्यों इतना पूरा भगदौड़ करा गया आप देख सकते हो पूरा तोड़ दिया है और हमारे को लाख रुपए का नुकसान पूरा करवाया है बिना मतलब बाकी सारी जमीन पड़ी है उधर वेदमल कोलानी में सारी जमीन पड़ी है कोई किसी के 91 का उसके किसी के हाथ नहीं लगाया सीधा ये रंजीत गिरी ढाणी के आगे इधर है सीधा इधर यहाँ के एक ही प्लॉट हमारा 38x58 है पूरा चूर चूर करके हमारे को लाख 1.5 लाख का नुकसान करा दिया है नगर परिषद कह रही है कि ये 91 की जमीन है। हाँ, नगर परिषद कह रही है कि 91 की जमीन है। हमने 11 साल पहले पैसे दे के हुकुम सिंह से हमने पैसा दे के जमीन खरीदी है। आज हमारे को 11 और 12 साल हो गए इस जमीन को खरीदे हुए। बाकी भी प्लॉट जमीन सारी पड़ी है, किसी का भी नहीं तोड़ा। हमारा पूरा प्लॉट का ऊपर पूरा तोड़ के और ये किसी का अगले भोगा हमारे साथ बदला लिया है। इसीलिए इन्होंने सीधी जैसे भी यहाँ कर कोई पटवारी साथ में कोई पुलिस नहीं सीधे आके शिवदान जी जांगी डेटी भी साहब है इन्होंने सीरा यहाँ तोड़ा है। उनको बहुत मना किया आप बात करो मत तोड़ो लेकिन उन्होंने सारा तोड़ के जैसे भी डाल के पूरा रद्द बद कर खंडर कर दिया। सुबह चेयरमैन साहब का निर्देश मिले थे कि जो सरकारी कसरे हैं पहाड़ी के उसमें कुछ अतिक्रमण हो रखे हैं तो उनको हटाने का निर्देश मिला था तो उसके अनुरूप कार्रवाई की गई। लोग जो कह रहे हैं कि सिर्फ उन्हें टारगेट किया जा रहा है, देखो जिसका मकान गिरेगा या फिर अतिक्रमण हटेगा वो तो यही बोलेगा। सर पहले इनको सूचना दी गई थी या नहीं इस बारे में? देखिए यहाँ पे कोई रहवासी मकान तो हटाया नहीं गया है, जो कच्चे जो कब्जे कर रखे थे उनको हटाया गया बस। सर कितना अतिक्रमण हटाया गया? अभी तो केवल 5-6 प्लॉट है बस उन्हीं को ही हटाया गया है, बाकी अभी कार्रवाई चल रही है।